मित्रों नमस्कार, आपका हमारे एग्री अकादमी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मटर की वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे करें इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। परिचय, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मटर हमारी एक महत्वपूर्ण फसल है, ये सब्जी बनाई जाती है और इसको विभिन्न रूपों में यूज़ किया जाता है और इसके अंदर विटामिन की और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। इंग्लैंड में 11वीं सदी में महत्वपूर्ण फसल थी। मटर एक लघु दिवसीय यानी शॉर्ट डे प्लांट है, एक वर्षीय शीतकालीन फसल है और ये जाड़े के दिनों में उगाई जाती है। पहाड़ों पर यह गर्मी के दिनों में उगाई जाती है, मार्च अप्रैल में। इस पर GS मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवंशिकी जेनेटिक के जो नियम आप निकाले थे इसी के ऊपर कार्य किया था, इसलिए एक महत्वपूर्ण फसल है। मटर एक शाकीय पौधा है और इसमें प्राथमिक रूट या प्राइमरी रूट मुख्य रूप से पाई जाती है। इसकी खेती मुलायम फलियों के लिए की जाती है। फलियां दाने के रूप में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं और कच्ची फलियां एवं पके हुए दाने सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। और फलियां एवं दाने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और खनिज का एक अच्छा स्रोत भी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसका वानस्पतिक विवरण। जैसा कि आप जानते हैं कि मटर वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम, यह फैमिली लेगुमिनेसी या फैबेसी कुल का पौधा है जिसमें क्रोमोजोम की संख्या 2N14 होती है और इसका मुख्य उत्पत्ति स्थान यूरोप व पश्चिम एशिया है, लेकिन बेबीलोग 1926 के अनुसार इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सेकेंडरी इस मध्य एशिया और समुद्र तटीय क्षेत्र, पर्टिकुलरली एबिसिनिया और इथियोपिया देश है। इसके दो तीन प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ लोगों का विचार है कि दक्षिणी एशिया से जो प्रजातियां जिनके दाने छोटे होते हैं उसकी उत्पत्ति हुई है और समुद्र तटीय क्षेत्र से उन प्रजातियों की हुई है जिनके दाने बड़े होते हैं। मटर जो है कई प्रकार की होती है, इसमें हम गार्डन पी पाइजम सेटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस, इसको गार्डन पी कहते हैं। इसकी दो बॉटनिकल वैरायटी पैकाइलोबम एंड सेक्रोटम होती है। उसके अंदर फिर दो प्रकार की होती हैं, मोटी थिन या पतली थिक, और ये फिर दो प्रकार की होती हैं स्मूथ, कि कुछ ऐसी प्रजातियाँ जिनके फल स्मूथ होते हैं, ऐसी प्रजातियाँ जिनके दाने जो हैं रिंकल्ड या पिचके हुए होते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों में सेक्रेटम और पैकाइलोबम दोनों में इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरी वैरायटी बॉटनिकल वैरायटी है जिसको हम स्वीट पी या ऑर्नामेंटल पी के नाम से जानते हैं, पाइजम सेटाइवम। और तीसरी होती है एडिबल पी, जिसको हम बागों में फूलों के लिए एनुअल हर्बिसाइड बॉर्डर बनाते हैं उसमें लगाते हैं, इसका नाम ऑर्नामेंटल पी है। एक एडिबल पी होती है जिसमें पूरी फली खाई जाती है, जिसका नाम पाइजम सेटाइवम वैरायटी मैक्रोकार्पम है। और एक फील्ड पी जिसको हम जिसका दाना दाल बना के पल्स के इसको एग्रोनॉमी में पढ़ाया जाता है और इसके दाने पल्स के लिए दालों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जिसका नाम पाइजम सेटाइवम वैरायटी अरवेंस। और इसके अंदर फिर चार प्रकार की वैरायटियाँ पाई जाती हैं, इसमें क्वांट्रम रिप्रोटर हेबिलिटी कुलम अम्ली लेटम। उसके बाद ये बहुत सारी इसमें वाइल्ड प्रजातियाँ भी हैं जो कि विभिन्न रोगों से बचाने के लिए इनका हम ब्रीडिंग में उपयोग कर सकते हैं और इनमें कुछ अच्छे गुण भी पाए जाते हैं जिसके लिए ब्रीडिंग में लोग यूज़ करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो फील्ड भी होती है पाइजम सेटाइवम वैरायटी अरवेंस और पाइजम सेटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस, जो सब्जी वाली गार्डन पी है, उन आपस में क्या अंतर है, यानी कि वृद्धि के हिसाब से देखा जाए तो ये वृद्धि दिखाई कि पाइजम से गार्डन पी जो होती है पौधे के छोटे होते बौने होते हैं और कम ऊंचाई वाले होते हैं, जबकि जो फील्ड पी होती है उसके पौधे बड़े और ऊंचे लंबाई के होते हैं, बड़े होते हैं। इसमें प्रजातियाँ मुख्य रूप से 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ निकाली जा चुकी हैं, जिसमें पंच सब्जी मटर 2, 3, 4 पंचनगर से निकाली गई हैं। और फील्ड पी में रचना टाइप 163 पंच मटर 20
इस तरह से बहुत सारी प्रजातियाँ, लेकिन कम प्रजातियाँ हैं कि हॉर्टेंस की अपेक्षा। शाखाओं के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारी गार्डन पी है, इसमें या तो शाखा बिल्कुल नहीं होती है, सिंगल तना होता है, या कभी कभी एक आध शाखा आ जाती है, जबकि फील्ड पी में कई शाखाएँ होती हैं। फूलों के रंग से हैं इसको आसानी से पहचाना जा सकता है, इसमें सफ़ेद फूल आते हैं और फील्ड पी में बैंगनी या नीले फूल आते हैं। प्रजातियों के अनुसार इसमें 100 से अधिक प्रजातियाँ निकाली जा चुकी हैं और इसमें अभी कम प्रजातियाँ हैं। फली का आकार गार्डन पी का बड़ा होता है और फील्ड पी का आकार छोटा होता है। बीज का आकार इसमें पिचका हुआ होता है या गोल होता है, जैसे मीटर वैरायटी है इसकी तो उसके दाने गोल होते हैं और बाकी जो सौंजी अर्किल पंचमीर उनके पिचके दाने हैं, और जो फील्ड पी है उसके दाने कोणीय होंगे या गोल होंगे। मौसम का प्रभाव, पाला, गर्मी, सूखा, उसके लिए ये ससेप्टेबल हैं गार्डन पी, लेकिन फील्ड पी इसके लिए रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी है। अंकुरण के हिसाब से गार्डन पी उच्च ताप पर अंकुरण इसका होता है, इसलिए इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है फर्स्ट वीक में, जबकि फील्ड पी जो है नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। इनके बहुत सारे टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो कलर इनका, फलियों का लाइट ग्रीन होता है जबकि फील्ड पी का थोड़ा सा वाइट होता है, और सीड की अगर आकार देखें तो इसमें पिचका हुआ रिंगल्ड होता है जबकि फील्ड पी में स्मूथ होता है। मैच्योरिटी के हिसाब से गार्डन पी अगेती होती है और फील्ड पी लेट होती है, और टेस्ट के हिसाब से गार्डन पी के दाने मीठे होते हैं और फील्ड पी के दाने अधिक मीठे नहीं होते हैं। और इनमें एक अंतर और है, इंटरनोड जो दो संधियाँ होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है संधि पर्व या इंटरनोड कहते हैं, गार्डन पी में छोटा होता है और फील्ड पी में बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ग्रोथ हैबिट के हिसाब से बहुत सारे करेक्टर इसमें दिखाए गए हैं। अब आप जानते हैं कि सब्जियों का उपयोग हम मटर का विभिन्न रूपों में करते हैं, जिसमें सब्जी बनाते हैं, सूप बनाते हैं, डिब्बाबंदी करके इसको रखते हैं, फ्रोजन के रूप में करते हैं, और सूखा या डिहाइड्रेटेड भी इसको उपयोग में लाए जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आंकड़ा 2012 से लेकर के 2017 का दिया गया भारतवर्ष का, जिसमें क्षेत्रफल 420.9 था 2012-13 में, जो कि 2016-17 में 540,000 हेक्टेयर हो चुका है, और उत्पादन के हिसाब से 4,006 मीट्रिक टन 2012-13 में हुआ, और जो 16-17 में पड़ के 5,252,000 मीट्रिक टन हूँ। उत्पादकता 2012-13 में 9.52 थी, जो कि 2016-17 में 9.73 है। तो कहने का मतलब है कि मटर धीरे धीरे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और इसका एरिया और उत्पादन उत्पादकता धीरे धीरे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अगर देखा डेटा लिया जाए तो 2013-14 में 171.17 हेक्टेयर ज़मीन में उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की गई, और इससे 1782.63 मीट्रिक टन फलियों की पैदावार हुई, जिसकी उत्पादकता 10.41 थी। उसी तरह से उत्तराखंड में 2013-14 में 12.77 इसका क्षेत्रफल था, जिससे 840,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ और उत्पादकता 6.58 थी, जो 2014-15 में बढ़ करके 6.9 हो चुकी है, और एरिया भी पहले 12.7 था, 14 में थोड़ा सा कम हुआ है, और यूपी में इसका एरिया भी बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ा है, उत्पादकता भी बढ़ी है। पोषक तत्वों के लिहाज से आप देखें तो इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोज 15.8, प्रोटीन 7.2, उसके अलावा फास्फोरस 139 मिलीग्राम, लोहा 1.9, सोडियम 7.8 मिलीग्राम, पोटेशियम 779.0 मिलीग्राम, और विटामिन ए 139 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की पाई जाती है, और विटामिन सी 27 मिलीग्राम, और कैलोरी ऊर्जा 84 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम खाने योग्य भाग में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण खाने वाली सब्जी की फसल है, इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब मित्रों बात आ रही है कि इसके लिए खेती के लिए कैसी भूमि चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। तो ये शीतकालीन फसल है, इसलिए इसमें हल्की
एक प्रिंसिपल सिद्धांत है कि शिक्षित काल में जो फसलें उगाई जाती हैं उनकी जड़ें उथली होती हैं, तो इनकी उथली जड़ें होने के नाते हल्की दुमट बलुई दुमट की भूमि की आवश्यकता होती है, और बटियार दुमट में भी इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा में आपको गोबर की खाद मिला करके उसको थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा, उत्तम भूमि बनानी पड़ेगी, उसके बाद अच्छी तरह से उसकी निराई गुड़ाई और खुदाई जुताई ट्रैक्टर से करें, हल से करें। वैसे खेती के लिहाज से सबसे सर्वोत्तम भूमि दोमट मिट्टी जो होती है इसकी, इसमें अच्छा जल निकास हो और पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के आसपास हो, ये थोड़ा सा अम्लीय माध्यम में अच्छी पैदावार देती है, क्षारीय माध्यम में इसकी पैदावार कम हो जाती है। जलवायु के हिसाब से देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया शीतकालीन फसल है, उसके छोटे दिनों की आवश्यकता होती है और तापमान 10 से 18.3 डिग्री सेल्सियस इसके लिए उपयुक्त होता है। यह तापमान 10 से नीचे हो जाता है तो 5 डिग्री सेल्सियस तक इसके हम बीज अंकुरित हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो औसतन तापमान इसका है, इसको बीज अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक का अच्छा होता है, और 10 से कम तापमान पर इसका अंकुरण सामान्य रूप से नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 20 से अधिक तापमान पर परागण क्रिया प्रभावित होती है, जब ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है परागण सूख जाते हैं और उनमें फल नहीं बन पाते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जो लोग अप्रैल मई के महीने में इसकी खेती करते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि वही वैरायटी जो आपने जाड़े में लगाई थी उसमें एक फली में 7-8 दाने थे, जब उसी को आप अप्रैल के महीने में मार्च के महीने में लगाते हैं तो उसमें भी दानों की संख्या घट करके 3-4 रह जाती है, या कभी कभी 1 या 2 दाना भी मिलता है। तो ये तापमान की वजह से होता है, क्योंकि ये अधिक तापमान पर अच्छी फसल नहीं देता है। औसतन तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस इसकी खेती के लिए सबसे उत्तम पाया गया है। अब आती है बात प्रजातियों की, तो मित्रों इस समय बहुत सारी प्रजातियाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों से और विशेष अनुसंधान संस्थानों से निकाली गई हैं, और जो भी आपके क्षेत्र में अच्छी प्रजाति हो उसको आप ले करके उसकी खेती कर सकते हैं। पुरानी वैरायटी अर्किल आज भी चल रही है और अच्छी पैदा रही है, पंतनगर से पंचमटर 2, पंचमटर 3, पंचमटर 4, विवेकानंद से BL7, काशी से काशी नंदिनी VRP2, कानपुर से आजाद मटर 2, पंजाब से पंजाब अगेता, या ई छिटियाम से बहुत सारी प्रजातियाँ, ये अगेती प्रजातियाँ हैं जिनकी फलियाँ 60 से 65 दिन में तैयार तोड़ने लायक हो जाती हैं। दूसरी मध्यम प्रकार की प्रजातियाँ हैं जिसमें पंत उपहार है, आजाद मटर 1 है, विवेक 6 है, VL3 है, VL8 है, शक्ति है, काशी शक्ति, जवाहर मटर 1 और पछेती, जिसमें लिंकन बोन मिले, हिसार हरित, ये प्रजातियाँ हैं जो कि 100 से 120 दिन में तैयार होती हैं। अब पूरी फली खाने में जो प्रजातियाँ हैं इसमें एक सालविया पुरानी वैरायटी थी, रशियन एक वैरायटी आ चुकी है, आर्गन सुमर और UN53-6 ये प्रजाति इस प्रकार की हैं, जिसमें पूरी फली के कोई इसमें पार्चमेंट लेयर जो अंदर होती है सेलुलोज बनी हुई कार्टिलेज की, वो नहीं पाई जाती और इस तरह से इसको पूरी तरह खाया जा सकता है, तो सलाद के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनमें कुछ प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जैसे आपकी BP 438, PRS 4, KS 245, ये चूड़ी पपूदी या पाउडी मंडियों के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है। अर्का अजीत JP 4, DP PP 68, ये भी चूड़ी रास्ता के लिए प्रतिरोधी है। आजाद मटर 2 ND4 चूड़ी रास्ता के लिए है। इस प्रकार से ये कुछ वैरायटियाँ दी हुई हैं आपको जो चूड़ी रास्ता के लिए प्रतिरोधी हैं, और UT1 ये सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से अपने को बचाए रखती है, इसमें कम लगती है, और काशी नंदिनी लीफ माइनर और फल विदक कीट के लिए प्रतिरोधी पाई गई है। अब बात आती है कि बीज बोने की दूरी एवं बीज की मात्रा कितनी रखी जाए, तो मैदानी क्षेत्रों में इसका अलग अलग बोने का समय भी है और अलग अलग उसकी दूरी भी लग जाती है, जिसमें दिखाया गया कि अगेती वैरायटी आपको 25 से 30 सेंटीमीटर पर कतारों में बोनी चाहिए और बीज से बीज की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर रखी जाए। मध्यम किस्में हैं 30 से 45 सेंटीमीटर, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हैं इसलिए कतार से कतार की दूरी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, और पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 या 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। बीज की मात्रा अगेती प्रजाति में 100 से 120, क्योंकि जब दूरी कम है तो उनका बीज भी अधिक लगेगा, और मध्यम और पछेती प्रजातियाँ ये थोड़ी दूरी लगाई जाती हैं 30 से 45 सेंटीमीटर पर,
मध्यम वाली 30 पर और 45 पर, देर वाली, देर से बोने वाली, इनमें 70 से 80 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर का प्रथम सप्ताह इसकी बोने के लिए सबसे उत्तम पाया जाता है। तराई के क्षेत्रों में सितंबर अक्टूबर में भी इसको बोया जा सकता है, लेकिन सितंबर में जो फसल बोई जाती है उसमें स्टेम फ्लाई की बहुत समस्या होती है। तो स्टेम फ्लाई से बचाने के लिए आपको उसके उपाय करने पड़ेंगे, और ज़मीन में आपको पहली जुताई करने के बाद में फिर फ्यूरोडॉन डालना पड़ेगा। जब आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश डालते हैं तो उसमें 15 से 20 किलो ये फ्यूरोडॉन दवा या थीमेट 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे तो ही आप फसल अपनी सितंबर में बचा सकते हैं, अन्यथा वो फसल आपकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए नवंबर का प्रथम सप्ताह तराई क्षेत्र में सबसे उत्तम पाया गया है। भावर इलाकों में इसको सितंबर में बो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 6000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर इसकी अगेती फसल की बुआई अगस्त में, मध्यम पकने वाली की नवंबर में, और सिंचित घाटियों में होने वाली की 5000 फुट से तक जो होती है उनकी बुआई सितंबर से अक्टूबर के महीने में की जाती है। ये शीतकालीन फसल है, इनकी दूरी और मात्रा ये दिखाई गई है। बीज का शोधन और बीज का उपचार कैसे करें, जैसे कि मैं पहले फसलों में बता चुका हूँ कि अगर आपने बीज का उपचार ठीक से कर लिया तो आपकी 75% की समस्या जो बीमारियाँ आती हैं फसल के अंदर उनकी समस्या दूर हो जाती है। तो आप कवकनाशी दवा से थायराम से या कैप्टॉन से 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अवश्य कर लें, और ये नहीं मिलता है तो आप ट्राइकोडर्मा 8 से 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिला करके इसका उपचार कर सकते हैं। और जिस भूमि में आपने पहले कभी मटर नहीं उगाई है तो उसमें अगर राइजोबियम कल्चर एक मिलता है, इसकी 250 ग्राम मात्रा 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। इसमें आपको पहले बीज को भिगोना पड़ेगा और भिगोने के बाद में फिर उसमें राइजोबियम मिलाया जाता है जिससे कि वो दानों के ऊपर चिपक जाता है, और उसके बाद छाया में सुखा करके फिर इसकी बुआई कर दी जाती है। और कुछ वृद्धि नियामक भी अच्छे पाए गए हैं जिसमें जिब्रेलिक एसिड है GA3, इसकी 10 PPM का घोल बना करके 24 घंटे तक बीज को उसमें भिगो दिया जाए, उसके बाद फिर इसकी बुआई की जाती है तो अंकुरण अच्छा होता है और पौधे भी अच्छी वृद्धि भाग बढ़वा करते हैं। भारतवर्ष में बीज बोने का विभिन्न समय मैदानी क्षेत्रों में दिखाए गए, मैदानी क्षेत्र में सितंबर अक्टूबर, तराई भावर में मध्य अक्टूबर से मध्य प्रथम सप्ताह नवंबर का, और पहाड़ों पर अगस्त में बुआई की जाती है। खाद और उर्वरक, ये दो दाने वाली फसल है। जड़ों में नाइट्रोजन के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन को सोख करके उसमें संचित कर लेते हैं, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा आवश्यकता हो गई है। लेकिन फिर भी मृदा का टेस्ट कराने के बाद उसके अनुसार अगर पोषक तत्व देंगे तो आर्थिक दृष्टि लाभकारी होगा। गोबर की खाद 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी चाहिए, और इसको बीज बोने के 15-20 दिन पहले खड़ी खेत में डाल करके अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दीजिए। उसके बाद आप नत्रजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 70 किलोग्राम और पोटाश 50 किलोग्राम के हिसाब से मिलाएं, और इसमें से आधी नत्रजन और संपूर्ण फास्फोरस पोटाश एक साथ मिला करके उसको बुवाई से 2-3 दिन पहले खेत में डालिए, और उसके बाद फिर बुवाई कर दीजिए। और बची हुई नाइट्रोजन को 30-35 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में आप टॉपलेशन के रूप में दे सकते हैं। कहीं कहीं पर जिंक की कमी पाई जाती है तो वहाँ पर आप जिंक सल्फेट 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला सकते हैं। अब बात आती है कि खरपतवारों से बहुत सारी फसलों को हानि होती है, जिसमें पाया गया है कि मटर में 25 से 30% तक की हानि हो जाती है। तो खरपतवारों से बचाने के लिए आपको समय से रहते हुए निराई गुड़ाई आदि चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अगर समय से आप नहीं करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। मटर में सिंचाई कब की जाए? मटर में सिंचाई पलेवा के रूप में एक सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। जिस खेत में नमी नहीं है और आप उसमें आपको बीज बोना है तो एक सिंचाई पलेवा के रूप में अवश्य कर दीजिए, उसके बाद बीज की बुआई कर दीजिए। उसके बाद पहली सिंचाई तराई क्षेत्र में तो 30-35 दिन के बाद आप कर सकते हैं, बाकी मैदानी क्षेत्रों में जब पौधे उगाते हैं तो उसके बाद 20-25 दिन की अवस्था पर एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर एक सिंचाई और कर सकते हैं, इसमें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक सिंचाई करेंगे तो उससे कीड़े बढ़ेंगे और बीमारी भी लगेंगे। कसर क्रियाओं में खरपतवारों से नियंत्रण रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें 25 से 30% की हानि हो जाती है। इसमें 2-3 बार आपको निराई गुड़ाई मिट्टी चढ़ा सकते हैं, मैनुअली खुरपी के द्वारा या हैंडों के द्वारा इसे कर सकते हैं।
नहीं तो लासो नामक दवा आती है, उसकी तो 2.5 किलोग्राम मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके बीज बोने से पहले खेत में बोल दीजिए, या बीज बोने के बाद इसका छिड़काव कर दीजिए उगने से पहले, और उसके बाद फिर आप 30-35 दिन की अवस्था पर एक निराई गुड़ाई कर दीजिए तो आप अपनी फसल को खरपतवारों से बचा सकते हैं। इसके अलावा बासालीन या फ्लूक्लोरिन के नाम से दवा आती है 1 किलो 70 ग्राम अभ्यव, इसको आपको सबसे पहले 1 लीटर पानी में घोल करके इसका घोल बनाना पड़ेगा और फिर 700-800 लीटर पानी में इसका घोल बना करके आप उगने से पहले इसका छिड़काव कर दीजिए। लेकिन ये बासालीन ऐसा है कि इसको छिड़काव करने के बाद आपको पहले इसको ज़मीन में मिलाना पड़ेगा और मिलाने के बाद फिर बुराई करनी पड़ेगी। पेंडिमिल थ्री या स्टाम्प एक दवा आती है खरपतवारनाशी, इसकी 1 से 1.5 किलो मात्रा 1 हेक्टेयर की प्राप्त होती है, और इसको आप बुवाई करने के बाद जब उगने से पहले इसका छिड़काव कर सकते हैं, और फिर भी यदि कोई खरपतवार दिखाई देता है तो आप 40-45 दिन की अवस्था पर एक निराई गुड़ाई हल्की करके उससे खरपतवारों को निकाल सकते हैं। अब बात आती, मान लीजिए यदि आप अवांछनीय पौधों को निकालना चाह रहे हैं और आपकी बीज वाली फसल है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि बीज वाली फसल के आसपास दूसरी प्रजाति कोई नहीं उगानी चाहिए, और ये वैसे तो सेल्फ परागण फसल है, इसमें स्वयं परागण क्रिया होती है, लेकिन फिर भी आपका जो फाउंडेशन बीज है और सर्टिफाइड बीज है उनके बीच में आप डिस्टेंस रखना चाहिए। फाउंडेशन बीज है वो कम से कम 40 मीटर, 20 से 40 मीटर, और जो सर्टिफाइड सीड है वो 10 से 15 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए। अवांछनीय पौध निकालने के लिए आपको 3 बार इसका देखना बार करना पड़ेगा। एक तो जब इसकी वृद्धि होती है उस समय इसको देखिए, उसका पौधे का किस तरह का रंग है, पौधे की पत्तियों का रंग किस तरह का है, उसके फूल किस तरह के आ रहे हैं, इन सब बातों को देख करके आप उसमें से जो भी ऑफ टाइप का प्लांट आपको दिखाई दे उसको निकाल दीजिए। दूसरा, पुष्पन के समय पर जब पुष्प खिलते हैं तो उस समय सफ़ेद फूल हैं या रंगीन फूल हैं या उसमें फूलों के गुच्छे एक हैं या दो हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई मिक्सचर आपको दिखाई दे रहा है तो उसे आप निकाल दीजिए। और तीसरा, पुष्पों के बाद जब फल बनने लगता है, फल के आकार को देख करके, फल के रंग को देख करके और फल की उसमें जो ऊपर नुकीला भाग है उसको देख करके, उसमें अगर कोई ऑफ टाइप का प्लांट मिलता है तो उसको निकाला जाता है। तो यही 3 कार्य आपको निरीक्षण में भी करने पड़ते हैं, एक फूल आने से पहले, एक फूल आने के समय और एक फूल फलियाँ पकते समय। अब फसल सुरक्षा की बात आती है। फसल सुरक्षा के लिए बीज का उपचार आप ठहराव में कैप्टन से करेंगे फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं। बीमारियों में चूड़ी आशिता या चूड़ी फफूंदी जिसे कहते हैं बहुत लगता है, और इससे बचाव के लिए कैरासन नमक दवा का 0.06% का घोल बना करके आप 15 दिन के अंतर से छिड़काव करते हैं, यानी कि 6 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरी दवा भी आप सल्फेक्स के नाम से बाज़ार में मिलती है, लेकिन उसके साथ में शर्त यह है कि वातावरण का तापमान अगर यदि 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो उस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा होगा तो वो दवा फिर नुकसान करती है और उससे पौधे सूख जाते हैं। तो ध्यान रहे कि जब 30 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। मृदरोमिल आशिता या डाउनी मिल्डू, इसमें 2545 का घोल बना करके 0.25% का 3-4 छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल से आप करें तो फसल को बचा सकते हैं। एक पर्ण धब्बा रोग लगता है जिसमें कापर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना के 0.25% का आप 15 दिन के अंतर से छिड़काव कर सकते हैं तो अपनी फसल को बचा सकते हैं। बीज वाली फसल में ये किट या रस्ट कवक द्वारा होता है, और इसकी रोकथाम के लिए आपको 45 के 3-4 छिड़काव करना बहुत आवश्यक है। यदि पहले से आप छिड़काव किए रहेंगे तो आपकी फसल बच जाएगी, नहीं तो जनवरी के महीने में जब नमी बहुत होती है और पाला ठंडक पड़ना होती है शुरू होती है तो उस समय ये बहुत नुकसान करता है, फरवरी के महीने में बहुत लगता है। एक आता है फ्यूजरियम विल्ट, इससे भी पौधों को बहुत नुकसान होती है, और ये विल्ट जो है 2-3 तरह की होती है, एक तो पानी की वजह से आती है, दूसरी कवक की वजह से आती है, और तीसरी बैक्टीरिया की वजह से आती है। तो फ्यूजरियम की वजह से आती है उसमें पौधे धीरे धीरे सूखता है, लेकिन जो बैक्टीरिया से आता है उससे पौधे 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं। तो उसके लिए बचाने के लिए क्या करें कि कापर ऑक्सीक्लोराइड का दवा का छिड़काव आप 15 दिन के अंदर से 3-4 बार करेंगे तो आप अपनी फसल को बचाएंगे। और जो जीवाणु मिलानी है उसमें आप थोड़ा सा बुवाई
आगे पीछे करके उसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं। और कापर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा 6 ग्राम का पैकेट आता है, उसकी 20 ppm का घोल बनाकर आप कापर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में छिड़काव करेंगे तो आप अपनी फसल को इससे बचा सकते हैं। अब बात आती है कीड़ों की, तो कीड़ों में सबसे पहला जब अंकुरण होता है तो उस समय ज़मीन में एक उगते हुए बीजों को काटने वाला कटुआ कीट या कटवर्म होता है, इसको रोकथाम के लिए आपको फ्लोराइड दवा 20 से 25 किलोग्राम जैसे मैंने आपको बताया था इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आप यूरिया और खाद डालते हैं उसी समय मिला के डाल दीजिए, या थीमेट 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दीजिए, या इनमें से कोई नहीं मिलती है तो क्लोरीपाइरीफास दवा आती है उसी 2.2% का घोल बना करके बोने से पहले आप खेत में इस दवा का छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद बुवाई करिए तो आप कटुआ कीट से आप दवा इसको फसल को बचा सकते हैं। एक आता है एफिड या माहू, माहू फसल को बहुत नुकसान करता है और इससे बचाने के लिए क्योंकि चूसने वाला कीड़ा होता है तो फूल के ऊपर जब लग जाता है तो फिर इससे फलियाँ नहीं बन पाती हैं, तो इससे बचाव के लिए या तो आप मेटासिस्टम दवा 0.1% या एमिडाक्लोरपिड 0.1% मेलाथियान 0.1% या आपको कुछ नहीं मिलता है तो 2-3 ग्राम सर्फ पाउडर 1 लीटर पानी में घोल करके उसका घोल बना करके छिड़क देंगे तब भी माहू हो जाता है, चाहे वो किसी भी फसल में हो। इसके बाद आती है कि स्टेम फ्लाई, स्टेम फ्लाई को कंट्रोल के लिए आपको फ्यूरान दवा 20 से 25 किलोग्राम या थीमेट का उपचार करना चाहिए और इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। फली बेदक कीट के लिए सेविंग दवा या एमिडाक्लोरपिड दवा 0.1% का घोल बना करके उसका छिड़काव करते हैं तो आप फल बेदक कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। कभी कभी लीफ माइनर की समस्या भी देखने को मिलती है जब वातावरण नम होता है और तापमान भी कम होता है तो उस समय लीफ माइनर पत्तियों के ऊपर चल करके पत्ती के ऊपर सफ़ेद धारियाँ जैसी दिखाई देने लगती हैं, तो उससे बचाव के लिए आप कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे मेटासिस्टा वगैरह या एमिडाक्लोपर है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है पुष्पन और फलत की, तो पुष्पन क्रिया जो है बीज बोने के 30-35 दिन बाद इसमें फूल आना आरंभ हो जाता है और फलियाँ प्रजाति के अनुसार अगेती है तो 55 से 60 दिन की अवस्था पर और मध्यम वाली है तो वो बीज बोने के 70 से 75 दिन बाद और तीसरे बीज परिपक्व होने में इसको 110 से 120 दिन का समय लगता है। फलियों की तोड़ाई का समय ये उद्देश्य के अनुसार इसको हम अलग अलग कर सकते हैं कि आप बाजार के लिए आपने फसल उगाई है कच्ची फलियों के लिए उगाई है या प्रोसेसिंग के लिए उगाई है या बीज उत्पादन के लिए उगाई है, इसके अनुसार आप पर निर्भर करेगा कि आप किस उद्देश्य के लिए फसल उगा रहे हैं। तो जिस उद्देश्य का आप उगा रहे हैं उसी उद्देश्य के अनुसार आप फलियों की तोड़ाई अगर अगेती में कच्ची फलियों वाली कर रहे हैं तो दिसंबर जनवरी में करिए, मध्यम वाली भी कर रहे हैं तो जनवरी फरवरी में इसकी तोड़ाई कर सकते हैं, अक्टूबर की बोई हुई फसल को पछेती वाली फरवरी मार्च में तोड़ी जाती है, लेकिन यदि बीज के पकाना है तो ये आपका बीज अप्रैल मई में जाकर के तैयार होगा तभी फलियाँ पकेंगी और उस समय आप हार्वेस्ट करके उसके फिर खेत में सुखाइए, सुखाने के बाद उसकी मड़ाई करिए और मड़ाई करके बीज को खलिहान पर सुखा दीजिए और सुखाने के बाद फिर उसको प्रोसेसिंग प्लांट पर भेज सकते हैं। अब ये कुछ बीज उत्पादन के मानक हैं जिनको जो लोग बीज उत्पादन करना चाहते हैं, इसमें आइसोलेशन जैसे मैंने बताया था आपको दूरी आधार बीज में 20 मीटर और प्रमाणित बीज में 10 मीटर रखी जाती है और जो अवांछनीय पौधे हैं वो 0.1% आधारित बीज में और प्रमाणित बीज में 0.5% होनी चाहिए। बीज जनित बीमारियाँ अगर कोई उसमें हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए 0, और शुद्ध बीज 98% शुद्ध होना चाहिए, निष्क्रिय पदार्थ 2% हो सकता है, खरपतवारों के बीज बिल्कुल नहीं होने चाहिए, दूसरे अवांछनीय खरपतवारों के बीज बिल्कुल नहीं होने चाहिए और अन्य फसलों के बीज भी इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए और बीज की अंकुरण क्षमता 75% होनी चाहिए दोनों में आधार में भी और प्रमाणित में भी, और नमी की मात्रा जब आप सुखाते हैं तो 9% होनी चाहिए आधार बीज में, 9% होनी चाहिए प्रमाणित बीज में। तो इस प्रकार से आप बीज को अच्छी तरह से भली भांति मड़ाई करके उसको सुखाइए और सुखाने के बाद में जब उसमें नमी कम हो जाती है तो उनको बोरे में भरिए, बोरे में भरने के बाद उसको प्लांट पर भेज दिए और प्लांट पर प्रोसेसिंग करके फिर आप कितनी क्वांटिटी के थैले बनवाना चाहते हैं 2 किलो का 4 किलो का 5 किलो का 10 किलो का उस हिसाब से करके और इसको भंडार में स्टोर कर सकते हैं। फलियों की तोड़ाई 10 दिन के अंतराल से 3-4 बार कर सकते हैं फलियों की तोड़ाई के लिए, तो इनकी पैदावार अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से अलग अलग होती है, अगेती प्रजातियों की फली 55
60 दिन में तैयार होती हैं और 40 से 50 60 क्विंटल तक की पैदावार देती हैं और बीज की मात्रा 10 से 12 किलो प्राप्त होती है। और मध्यम प्रजातियों की 80 से 85 दिन में 90 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती हैं। तो इसकी फलियों की पैदावार 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फलियों के रूप में हरी फली और बीज की पैदावार 15 से 20 क्विंटल। 25 प्रजातियों की 100 से 110 मिलियन फलियाँ तैयार होती हैं और इसमें 80 से 90 क्विंटल फलियों के रूप में पैदावार मिलती है और बीज की पैदावार 20 से 25 क्विंटल मिलती है। अब भंडारण की है, जो ताज़ी फलियों को आप 10 सेंटीग्रेड तापमान पर 90 से 95% आर्द्रता होने पर 2 सप्ताह के भंडारघर में रख सकते हैं और सामान्य ताप पर बीज को आप बोरों में भर करके और उसको कीटनाशक दवा से उपचारित करके शीत भंडार में या अपने जो आपने भंडार बना रखा है उसमें जिसमें कीड़े मकोड़े ना हों उसको शुद्ध करके साफ करके उसमें भविष्य के लिए रख सकते हैं। अब ये कुछ प्रजाति मैं आपको 2-3 दिखाने जा रहा हूँ। ये पंत उपहार वरायटी है, पंतनगर से निकाली गई 1985 में। इसको स्टेट वरायटर रेंज कमेटी के द्वारा निकाला गया। इसकी पैदावार 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और 70 से 80 दिन में ये बीज बोने के बाद हरी फली दे देती है। दूसरी प्रजाति पंत मटर 2 है। इसको 1989 में निकाला गया था और ये सेंट्रल वरायटी रेंज कमेटी ऑल इंडिया में टेस्ट हुई इसको ICR के अंतर्गत और उसके बाद इसकी अनुमोदन किसानों के लिए किया गया। ये 60 से 65 दिन में कच्ची फली दे देती है और इसमें 10% अर्किल से अधिक पैदावार देती है और हरी फलियों की पैदावार 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरी प्रजाति है पंत सब्जी मटर 3। इस प्रजाति को अर्किल और जीसी 183 के संकरण के द्वारा पंतनगर से विकसित किया गया। 1996 में किसानों के लिए अनुमत की गई। इसका पौधा बौना होता है, गहरे रंग का इसका फलियों का रंग है और पौधे का भी है। 60 से 65 दिन में फलियाँ तुराई के योग्य हो जाती हैं और फलियों में 8 से 9 दाने होते हैं जबकि अर्किल में आपके 7-8 दाने पाए जाते हैं। फल की लंबाई 9 सेंटीमीटर तक होती है और उपज इसकी 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसकी फली का आकार अर्किल की फली से काफ़ी बड़ा होता है और इसकी बाजार में काफ़ी मांग है। चौथी प्रजाति है अर्किल या HFP4। इन दोनों के संकरण से इसको तैयार किया गया है और इसकी विशेषता यह है कि इस प्रजाति में ये आप जो देख रहे हैं ये अनुपत्र हैं। इसमें पत्तियां जो लीफलेट होते हैं वो नहीं पाए जाते, ये लीफलेट रहित होती है और काफ़ी अच्छी प्रजाति है। ये 70 दिन में फल कच्चे देने के योग्य हो जाती है और 2001 में इसे किसानों के लिए अनुरोध किया गया और ये पंतनगर से निकाली गई है। चूड़ी फफूंदी के लिए ये रेजिस्टेंट है और इसमें 90 क्विंटल फलियों की पैदावार प्राप्त होती है। आशा है का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपका मटर से संबंधित कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।